हैं उनके लिए तो ये सही में थोड़ा सा चैलेंज होता है, क्योंकि पहला स्टेप यही होता है गियर को स्लॉट करना। तो आप जैसे देखो, लेकिन कोई भी गियर का जो सबसे जो बेसिक जो चीज़ है वो कार मैन्युफैक्चरर खुद ही देके रखते हैं। ये जो एक देख रहे हैं डायग्राम सा बना रहता है हर एक गियर में, कि गाड़ी जितना जो भी मैन्युफैक्चरर है वो पहले से अपना जो गियर का जो मतलब जो डायग्राम है वो दे के रखते हैं, ताकि जो नया गाड़ी चला रहे हैं या फिर जो कोई पुराना कोई भी गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी गियर का कहाँ कौन सा गियर कैसा है वो स्लॉट होता है वो यहाँ दिया रहता है। तो अभी चलिए बताते हैं गाड़ी को गियर में कैसे परफेक्टली स्लॉट करना है, या फिर आराम से आप कैसे गाड़ी को गियर को स्लॉट करोगे। तो दोस्तों, गाड़ी चलाने से पहले आप गाड़ी में चढ़ते बैठ के गियर की तरफ देखो, और ये जो डायग्राम है ये अपना दिमाग में छाप लो, ठीक है। जो नया चलाना है उन लोग के लिए मैं बोलूंगा, हाँ ठीक है, आप पहले पहले देख के ही गाड़ी को स्लॉट करो, ठीक है, गियर को स्लॉट करो। और जो पुराने बंदे हैं, जो एक्सपर्टाइज हैं, जिसको जो काफी दिनों से गाड़ी चला रहे हैं, अगर दूसरा किसी का गाड़ी चला रहा है तो पहले उठते देख लो गाड़ी में कितना गियर है, ठीक है। ज्यादातर इंडिया में अभी भी इंडिया में ज्यादातर 5 गियर ही मिलता है और 6ठा गियर होता है रिवर्स का, लेकिन आज का जो इंजन जो स्पेसिफिकेशन है उस हिसाब से अभी तो 6ठा गियर भी आना शुरू हो गया है। तो अगर 6 गियर है आपके गाड़ी में तो 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 तो सेम रहेगा, ठीक है। ये रिवर्स का जगह में क्या रहता है, जो 6ठा गियर को यहाँ दिया जाता है। तो आप सोचो कि यहाँ 6 नंबर गियर लगा दिया तो भाई रिवर्स कहाँ से करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। अभी जो 6 नंबर वाला जो गाड़ी होता है 6R रिवर्स का जगह में 6 नंबर रहता है, और आपको अगर रिवर्स लगाना है तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक नॉप रहता है, ठीक है। इस जगह पे मेरा तो 5वां गियर है उसलिए है, लेकिन इस जगह पे एक नॉप रहता है, उसको ऊपर उठा के फिर गाड़ी को 1 नंबर का पास बगल में यहां से ऐसे करके ये एक ऊपर में यहां जहां पर उंगली है मेरा यहां पर रिवर्स दिया जाता है, लेकिन वो ऐसे स्लॉट नहीं होता है, उसको स्लॉट करने के लिए ऊपर उठा के फिर यहां रिवर्स में स्लॉट करना पड़ता है एक का बगल में, तो वो हो जाता है जो जिसका 6 नंबर गियर है उसका। तो आप ये समझ गए गियर कहां पर कौन सा गियर है, ये आप दिमाग में एकदम छाप लो, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो काम है गाड़ी को गियर को कैसे स्लॉट करें। देखियो दोस्तों, गाड़ी में जब भी जो गियर जो रहता है ना, जब भी अभी जो फिलहाल जो पोजीशन जिसको हम लोग न्यूट्रल में बोलते हैं, न्यूट्रल पोजीशन हमेशा बीच में रहता है। बीच बोले तो अब बोलोगे किसका बीच में, देखो इधर से 1, 2 यहाँ 3, 4 यहाँ 5, 6, ठीक है। तो गाड़ी का जो अभी फिलहाल जो न्यूट्रल जिसको हम लोग बोलते हैं, न्यूट्रल होता है यहाँ पर, ठीक है। ये जो 3 और 4 का जो बीच में जो क्रॉस बना हुआ है ना, उसका जो पॉइंट है ये है न्यूट्रल, ठीक है। अब देखो, अब इधर छोड़ोगे तो इधर आ जाएगा, आप इसको यहां लेके, अब मैं उधर पुश किया छोड़ दिया, देखो आप गाड़ी यहां आके रुक गया। अब इधर करोगे, इधर आके करोगे तो ये छोड़ दिया। तो आप गियर को बिना गियर में स्लॉट बिना किए अगर लाते हो तो आपको गाड़ी यहां आके रुकेगा। तो आप समझ लो गाड़ी का भी आपको यहां पर है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके उतने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए। अगर मैंने एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो काइंडली एक बार लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके पक्का बताइएगा। तो ठीक है, अभी हम लोग को सोच लीजिए फर्स्ट गियर में स्लॉट करना है। तो फर्स्ट गियर में स्लॉट करने के लिए, फर्स्ट गियर क्यों, कोई भी गियर में स्लॉट करने के लिए पहले आप लोग को पता ही होगा, अगर आप गाड़ी का थोड़ा सा भी चलाना आप सीख रहे हो तो, गाड़ी के लिए उसके लिए पहला जो काम होता है वो है क्लच का, ठीक है। ये है क्लच पेडल, आपको पता ही होगा ABC पेडल, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच, ठीक है। तो कोई भी गियर स्लॉट करने से पहले आपको पूरा क्लच को दबाना है, ठीक है। आप पूरा क्लच को दबा दिए, फिर आप क्या करोगे, गाड़ी को देखो एक हाथ से जस्ट एकदम ठेलना है, ठीक है। अभी न्यूट्रल में है यहां पर है और 1 है यहां पर, तो मेरे को क्या करना है, पहले इसको ठेलना है इधर, ठीक है। अभी ये पहुंच गया है इस पॉइंट पे, अभी 1 कहां है, 1 है ऊपर, तो मैं क्या करूंगा इसको ऊपर ठेल दूंगा, ठीक है। और ये जो पूरा एक्टिविटी होगा तब होगा जब मेरा क्लच पूरा दबा हुआ है, बिना क्लच दबाए गियर को बिल्कुल भी चेंज मत कीजिएगा। तो अभी मेरा जो गियर का पोजीशन है ये फर्स्ट गियर में है, मतलब यहां पर अभी मेरा गियर बैठा हुआ है, ये ऊपर में यहां पर, ठीक है। अभी क्या करना है, अब अगर आपको गाड़ी, ये फर्स्ट गियर खाली लगता है आपको मूव करने के लिए, अगर आपको कौन सा गियर में क्या स्पीड होना चाहिए, अगर एक वीडियो आपको देखना है शायद मेरा प्लेलिस्ट में है, जाके देख सकते हो, या फिर मैं एक नया वीडियो बना दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। तो अभी यहां पर है, ठीक है, अभी गाड़ी मूव करना शुरू हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सेकंड गियर में लाना है। तो सेकंड गियर में कैसे लाएंगे, आप फिर से क्लच दाब दो, ठीक है। अब जहां गाड़ी को छोड़ोगे, देखो ये अब मैं स्विच से दिखाता हूं, यहां फर्स्ट गियर में है, यहां आप गाड़ी को इसको पीछे लाओगे ना, ये घूम के यहां आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फिर से ये 3 और 4 का बीच में आ गया। अभी 2 किधर है, 2 आपको फिर से एकदम लेफ्ट में ठेलना है, ठीक है। ये फिर यहाँ ऐसे जब मैं कर रहा हूं तो गाड़ी का गियर को यहां पर आ गया, अभी नीचे है तो मैं इसको नीचे कर दिया, तो ये सेकंड में आ गया, क्लच दबा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड गियर।
फिर अगर थर्ड गियर में जाना है तो क्या करूंगा, फिर न्यूट्रल में आ गया, फिर यहां पर पहुंच गया। अब ये तो सीधा ऊपर है, कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको क्लच दबाओ और सीधा ऊपर ठेल दो, तो ये पहुंच गया तीन नंबर पे। ठीक है, ये पहुंच गया तीन नंबर पे। अभी चार कहां से लाना है, चार भी तो उसके एकदम सीधा यहां नीचे लाए तो तीन और चार का बीच में पहुंच गया, फिर इसको दबाए तो चार नंबर पे पहुंच गया, सीधा फंडा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर आप इसको सामने ठेलो, जहां जाके ये रुक जाएगा, फिर पहुंच गया तीन और चार के बीच में। अभी आपको पांचवा गियर लगाना है, पांचवा गियर फिर से एकदम अभी ऐसे ठेलोगे, मतलब ये चार रिवर्स और पांच का बीच में ये पहुंच चुका है, अभी इसको ऊपर ठेल देना है। ठीक है, तो ये लग गया पांचवा गियर। उसी तरह से फिर इसकी हाँ लाओ, रिवर्स में लगाना है तो फिर इसको रिवर्स में कर दो तो ये रिवर्स में लग जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से गाड़ी का जो गियर सिस्टम है इस तरह से काम करना है, गियर को इस तरह से स्लॉट करना है। तो ये जो डायग्राम है इसको आप एकदम दिमाग में छाप लो। ठीक है, अगर आप एकदम नया सीख रहे हो तो आप जितना ही छाप लो आपको ये देख के चेंज करना है, लेकिन है ये इजी। 5 रिवर्स, और ये बीच में जब भी आप छोड़ोगे कहीं से कोई से भी गियर में जब स्लॉट नहीं रहेगा तो ये तीन और चार का बीच में रहेगा, एकदम लेफ्ट हैंड साइड में, बायां साइड में ऊपर रहता है वन, ठीक उसका नीचे रहता है, फिर न्यूट्रल में आ गया, फिर उसका नीचे रहता है 2 3 4 5 रिवर्स। ठीक है, ये हो गया, रिवर्स नहीं रहेगा तो यहाँ छठा गियर रहेगा, और जैसे मैं बताया नॉब उठा के फिर इसको ऊपर में सामने रिवर्स में करना है। तो शायद मैं आप लोग को ये वीडियो समझा पाया थोड़ा सा, और अभी चलिए दिखाने हैं गाड़ी को कैसे ड्राइव करना है, थोड़ा सा एग्जांपल देकर दिखाते हैं। तो चलिए अभी प्रैक्टिकली समझाते हैं गाड़ी ड्राइव करते हुए, मेरा पैर का और हाथ का मूवमेंट दिखाता है, साथ में आरपीएम भी दिखाता है ताकि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो जाए जो कैसे ये प्रैक्टिकली कैसे स्लॉट होता है जब रियल लाइफ जब गाड़ी चलाना पड़ता है। तो चलिए गाड़ी को चलाते हैं। फिलहाल जो आरपीएम है आप देखो 1000 आरपीएम, 900 आरपीएम, 900 आरपीएम के आसपास है गाड़ी, और गाड़ी अभी फिलहाल एकदम न्यूट्रल पे है, मतलब तीन और चार के बीच में है। अभी मैं क्या करूंगा आप देखो, मेरा पैर ठीक है फोकस नहीं हो रहा, ये मैं क्लच को पूरा दबा दिया। ठीक है, क्लच को पूरा दबाते ही फिर मैं क्या करूंगा गाड़ी को इस तरह से आप देखिए, थोड़ा सा दूर से दिखाता हूं मैं, इस तरह से लेके गाड़ी के एकदम लेफ्ट में ठेल दिया। ठीक है, फिर ऊपर में ठेल दिया। ठीक है, ये ठेलने के साथ फर्स्ट गियर में स्लॉट हो गया। ठीक है, गाड़ी फर्स्ट गियर में स्लॉट हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, अभी ये करने के बाद मैं धीरे धीरे करके अपना जो क्लच है उसको मैं छोड़ूंगा और एक्सेलरेटर को मैं धीरे 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 बढ़ाऊंगा तो मेरा गाड़ी चलना शुरू हो जाएगा, और आप देखोगे आरपीएम मीटर में भी आपका गाड़ी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरह से अब पहला गियर में हुआ तो पूरा पैर हटा लो, अभी गाड़ी मूव करना शुरू हो गया, हल्का सा एक्सेलरेटर। अभी आपको क्या करना है, दूसरा गियर लगाना है, तो फिर क्या करोगे, मैं अभी फिर क्लच दबाया, फिर गाड़ी को यहां पर आ गया। अभी अभी तो फिर से गाड़ी अभी फर्स्ट गियर में है, अभी मेरे को सेकंड गियर में लगाना है, तो मैं क्लच दबा दिया हूँ, गाड़ी को फिर ये लाया। अब जब सीख जाओगे ना गाड़ी चलाना, फिर अब प्रैक्टिस स्टेप हो जाएगा तो आपको यहाँ न्यूट्रल पे आना नहीं पड़ेगा, तो आप सीधा देखना यहाँ से एक से दो नंबर में आगे। लेकिन फिर मैं क्या कि इसको एक्सट्रीम लेफ्ट में ठेला, फिर इसको नीचे ला लिया, तो ये हो गया सेकंड गियर में लग गया। ठीक है, अभी उसके लिए क्या करना है, फिर से मैं क्या करूंगा गाड़ी को धीरे 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 करके एकदम धीरे धीरे करके क्लच छोड़ूंगा और एक्सेलरेटर को दबाऊंगा तो गाड़ी फिर बढ़ते रहेगा। फिर मेरे को क्या करना है, थर्ड गियर में लगाना है, तो मैं क्या किया, फिर से क्लच दबाया। ठीक है, फिर यहाँ आए, अभी सेकंड गियर में है गाड़ी, देखिए मैं क्या किया, फिर से इसको न्यूट्रल में लाया, न्यूट्रल में लाके फिर एक तो मैं उसको ऊपर ठेल दिया तो ये थर्ड गियर में स्लॉट हो गया। तो ये एज इट इज, फिर मैं क्या करूंगा, फिर आप देखोगे मैं धीरे धीरे करके क्लच छोड़ रहा हूं और गाड़ी आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये कुछ इस तरह से आपको गियर स्लॉटिंग और गाड़ी को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कहीं लाइक या सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा, और किस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्द। थैंक यू वेरी मच।